यह एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप लोग आमदनी करने के साथ साथ में आप एक नाम भी कमा सकते हैं, और इतना बड़ा नाम कमा सकते हैं कि आपका नाम पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो सकता है। और आमदनी छोटी मोटी नहीं, लाखों रुपए की आमदनी आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री दिखाऊंगा जिसमें कद्दू से आगरे का पेठा बनता है, और आपको एक एक मैं शुरू से लेकर अंत तक एक एक प्रोसेस दिखाऊंगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं जो कंप्लीट माल बन के तैयार है, और अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी प्रोसेस क्या हो, कैसे बनती है। यहाँ पे कंप्लीट माल बन के तैयार रखा हुआ है, और ये मक्खियाँ हैं तो मक्खियों से बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे देखिए ये माल ऐसे इनको ढक के रखा गया है। इधर देखिए ये सप्लाई के लिए अखबार में इसको अभी पैक कर देंगे, और ये सप्लाई के लिए जाने के लिए तैयार है। और ये देखिए दोस्तों ये गाड़ी खड़ी है और ये सप्लाई का माल है, तो अभी यहाँ से लोडिंग होके रवाना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं आगे प्रोसेस क्या है और क्या नहीं है, कैसे ये तैयार होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ कद्दू की छिलाई हो रही है, कद्दू छील रहे हैं यहाँ पे ये मिस्त्री लोग। ये दोस्तों नहीं, इसको क्या बोलते हैं कद्दू को? सीताफल। सीताफल तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है? ये आगरा से आता है क्या ये? अच्छा, तो इसीलिए इसका नाम आगरे का पेठा है। ये देखिए दोस्तों ये हाथों में दस्ताने पहन के, कोई मतलब गंदगी नहीं, बहुत साफ सफाई से काम हो रहा है। ये देखिए ये इनके बीज निकाल देते हैं। इधर जो ये कद्दू हैं ये आगरा से आते हैं। आप मेरे को ये बताइए ये जो कद्दू हैं कहाँ से परचेज करते हैं? आता है अपने बिहार से भी आता है। अच्छा अच्छा और आगरा से भी आता है। अच्छा कलकत्ते से भी आता है और पंजाब से भी आता है। अच्छा ये कोड़े का ही ओनली इसी में काम आता है, पेठा बनाने के, पेठा बनाने में काम आता है। बाकी कोई चीज़ में पेठे की हज़ार आइटम बनता है, अंगूरी पेठा बन जाता है, पान गिलोरी बन जाती है, सब चीज़ बन जाती है इससे। अच्छा चाहे 50 आइटम बनवा लो इसके। और सबसे शुद्ध चीज़ है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता, साफ एकदम शुद्ध चीज़ है। शुद्ध चीज़। हाँ तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों आपको आगे प्रोसेस क्या है और कैसे ये तैयार होता है। ये वहाँ पर सिलाई हो गई, सिलाई होती है यहाँ से, बीज बीज निकलता है इसका, फिर इस मशीन से यहाँ बिजाई होती है। ये यहाँ बिजाई होती है इसकी, छेद निकलता है इसमें। ये देखिए दोस्तों अब इसको गिट्टी गिट्टी इसकी पेठे की कटिंग होती है, यहाँ पेठे की ये कटिंग हो रही है, ये बीज यहाँ निकल जाता है, बाकी धुलाई में निकल जाता है। तो जितनी साइज का पेठा बनाना होता है उसी साइज की कटिंग कर ली जाती है इधर। और ये जो अंदर पानी है उसमें पानी साफ हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों ये गिट्टी है, इसमें काट के ये डाल रखे हैं, तो इसमें और अच्छी तरह से साफ करके और ये बाहर निकाल होती है बाद में। ये देखिए ये ऐसे इसमें इधर आके धुलाई होती है, यहाँ से इसमें ऐसे देखिए ये धुलाई होती है और ऐसे ये निकाल के और इसमें आ जाता है, यहाँ आके और धुलाई होती है, यहाँ आके और अच्छे से इसकी धुलाई होती है। और यहाँ आ जाता है देखिए दोस्तों ये इसमें से निकाल के और ये केरेटिन के अंदर इसको डाल दिया जाता है। ये देखिए और फिर इसमें डाला जाता है उबलने के लिए, ये
नीचे भट्टी लगी है तो ये उबल जाता है, गर्म होंगे अच्छी तरह से उबल रहा है दोस्तों। ये देखिए ये अंदर ये भट्टी लगी है और ये पक के अब बाहर निकलने लगे हैं। फिर इसको इसके अंदर डाला जाता है, ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये ऐसे उबल रहा है और ये इसमें रेडी हो ये देखिए और ये इसमें डाल दिए। और दोस्तों ये देखिए इसमें भी वही उबल रहे हैं, पक रहा है अभी। फिर देखिए दोस्तों इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है। ये इसमें निकल गए फिर इसमें निकलता है। फिर देखिए दोस्तों ये प्रोसेस यहाँ तक होने के बाद में इसमें निकाल के और इसमें ठंडा होता है, इसमें ठंडा करने के लिए इसमें डाल दें चीनी और बैठा कद्दू। अच्छा, बाकी कोई चीज़ है और सिर्फ हैदरा थोड़ा बहुत सफेदी के लिए लगता है और कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, मात्र कोई प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। कद्दू है और यानी कि पेठा जिसको बोलते हैं वो है और चीनी है और इसमें कोई मिलावट नहीं है और बिल्कुल प्योर है दोस्तों। इसको अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ऑर्डर करके और एक बहुत ही मतलब अच्छी रेट में, सबसे कम रेट में आप यहाँ से ले सकते हैं थोक में। जहाँ कहीं भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑर्डर के ऊपर आपको माल ज़रूर भेजेंगे। ऑर्डर से ही सब काम बनता है, ऑर्डर से ही होता है। हाँ हाँ, बुकिंग आ चलती है हमेशा एडवांस एडवांस। अच्छा, तो इसके अंदर चीनी भी डाल रखी है क्या? चीनी में ही पकता है ये? अच्छा, ये चीनी में ही पकता है। चीनी है ये, पहले चीनी इतनी सफाई होती है, देखिए चीनी की चाशनी बना देते हैं ऐसे सफाई करके पकता है और फिर इसमें चीनी और ये पेठा डालते हैं। ये बिल्कुल प्योर काम हो रहा है, कोई संकोच शंका की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। और 24 घंटे इस फैक्ट्री में काम चलता रहता है। ये पक्के रेडी हो गया, पक्के रेडी हो गया और इसमें अब इसमें डालेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। डालेंगे ठंडा हो जाएगा फिर पास में डलेगा वो। ये देखिए दोस्तों अब इसमें डालेंगे ठंडा होने के लिए। ये अब पक के रेडी हो गया, ये अब पक के रेडी हो गया तो इसमें ये डाल दें ठंडा करने के लिए। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो आप इसे ये डालते जाओगे। हाँ, तो इस पे और थोड़ी मतलब चाशनी चढ़ जाएगी, सेट हो जाएगा ये, सेट हो जाएगा। वो उधर मतलब उधर पक गया गर्म पानी में। हाँ, गर्म पानी अच्छे से, तो अब ये चाशनी में पकेगा, चाशनी डाल में पकड़ेगा वो बन रहा है। जो ज़्यादा कमज़ोर आदमी होता है उसको उसका कंटिनेट एक महीना आप दूध पिलाओ तो आदमी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ऐसे एकदम, कमजोरी वमजोरी सब हट जाएगी उसकी। बहुत ऐसे कीमती चीज़ है, कीमती चीज़। हाँ, और पेठा खाना तो और भी अच्छा है। हाँ, और ही अच्छा है पेठा। ये देखिए दोस्तों जो ज़्यादा चाशनी अब नीचे छोड़ दिया इसने पेठे ने वो वापस इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो भट्टियाँ चल रही हैं इनमें प्रेशर आ रहा है कि कैसे चल रही है? पीछे बॉयलर लगवा है, पीछे बॉयलर है। तो देखिए दोस्तों ये बॉयलर है और इसमें यहाँ पे ये देखिए आग जलती है, ये इसमें लकड़ी डालते हैं और आग भी जलती है तो इसमें प्रेशर बनता है। घुट के आते हैं ऐसे, उसको अंदर ऐसे डालते हैं और ये देखिए फिर ये इसको धुआं तो निकल जाता है, वो देखिए वो चिमनी जो बनी है और इसका प्रेशर ये ऐसे आके प्रेशर और पाइप है ये पाइप के थ्रू फिर वापस नीचे का प्रेशर इधर आता है, जो ज़्यादा प्रेशर होता है वो वापस इसमें आ जाता है। ये देखिए वापस निकल के ये ऊपर का तो ये आ रहा है पाइप प्रेशर का। हाँ, और ये देखिए ये सभी में ऐड कर रखें, देखिए ये पाइप इसमें आ रहा है और ये ऐसे ही इसमें भी है। देखिए
देखिए दोस्तों, ये कुछ ठंडा हो गया है थोड़ा बहुत, और ठंडा इसमें डालने से हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो और ज़्यादा ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इधर ठंडा हो रहा है और डालेंगे इधर, और देखिए यहाँ जो भी आदमी है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, थोड़ा पूछते हैं। तो सर आप बताइए, आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और या क्या क्या आपकी तो रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा राम कुमार यादव मेरा नाम है। अच्छा जी, और ये जो कारखाना है रूप जी चौधरी का, अच्छा ये मेरे मित्र हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ मतलब ऐसे आ जाते हैं और इनके कारखाने में जो भी हेल्प होती है अपने लाइक वो करते हैं। और सर आप शाहपुरा से हूँ, विक्रम सिंह एल ए से हूँ, वेटनरी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अच्छा, वेटनरी डॉक्टर हैं आप? वेटनरी डॉक्टर। अच्छा अच्छा, तो आप भी मित्र से मिलने के लिए या? मिलने पेटे खाने आ जाते। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर तो पेटे खाने की इच्छा होती है ना, तभी इधर से जाते तो पेटे खाने आ जाते। तो आप ये बताओ कि इनकी फैक्ट्री लगे कहाँ, जैसे आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? मेरे को तो इनसे संपर्क में आए तो 10 साल हो गई, पहले तो 10 महीने की टीम की। अच्छा अच्छा, अब ये 6 महीने से साल भर से पेटे का काम कर रहे हैं। अच्छा, और रसगुल्ला भी चालू है? रसगुल्ला चालू है, रसगुल्ले का काम चालू है। अच्छा अच्छा, मतलब बढ़िया फिगर मिलावट का और अच्छा काम है, बिल्कुल शुद्ध काम है। और मनोजपुर छापरा में इस एरिया में इनसे बढ़िया और शुद्ध माल मेरी नज़र में तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने अभी ये दिखाया ना, तो इसमें मिलावट का कोई मतलब कोई गुंजाइश नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ किस चीज़ की मिलावट हो रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर पूरा शुद्ध काम है। चीनी और कद्दू दो चीज़ें मिलकर बनता है, दो चीज़ें मिलकर बनता है और गर्म करता है। कद्दू ये है ये तैयार कर ही रहे हैं, तैयार करना है, सही है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मित्र का तो साथ देना ही देना चाहिए हर बात को, मित्र का ही होता है अपना क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो बाहर प्लेट ये देखिए, ये थाली में जो डाला था ठंडा होने के लिए, उसको देखिए ये यहाँ पर अंदर ले आए फैक्ट्री के अंदर, अब ये इनमें डालेंगे। नहीं अभी, अब ये थाली में क्यों जता रहे हो आप, तो पैकिंग तो उसमें करते हो ना, तो ये थाली जो है नीचे फिर पेपर लगता है इसको। अच्छा अच्छा, एक मतलब हर, हाँ हर में मतलब जो भी एक पीस होता है उसमें नीचे थाली लगती नीचे है, नीचे थाली लगती है। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आपको कैसा लगा आप भी एक कॉमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, यानी कि ऐसे ही वीडियो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे दिखाता रहता हूँ। और जो भी यहाँ से परचेज करना चाहे, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कम रेट में और शुद्ध मात्रा में बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। दोस्तों आप रसगुल्ला खरीदना चाहें, आगरे का पेठा खरीदना चाहें, तो यहाँ पर ज़रूर ऑर्डर कीजिए और इन भाई साहब से ज़रूर मंगवाइए। ये फैक्ट्री के ओनर है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रूपा राम है। अच्छा जी, रहने वाला बीकानेर का हूँ। हाँ हाँ, नौका क्षेत्र है। तो आप जो हमारे दर्शक हैं, जो भी आपसे माल खरीदेंगे अच्छा लगेगा तो दोबारा खरीदेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मैं आपको मतलब सही भाई? उनको ये विश्वास है अगर कुछ भी अपने माल में फॉल्ट होता है उसका जवाबदार है, जवाबदार कोई चीज़ में। अच्छा अच्छा, उसको अगर अगर पसंद नहीं है, उसको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो उसका जवाबदार है, रिटर्न लेने के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा, ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल, और चीज़ मेरी सही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल कहीं भी आप मंगा सकते हैं, किसी भी राज्य में हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये थाली इधर आधी लग चुकी है, ये आधी लग चुकी है, अब आधी ठंडी होगी, थोड़ी देर बाद में लगेगी, थोड़ी देर बाद में। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये जो मतलब हमारे राजस्थान में यार, आप कहीं भी मंगाओ तो नीचे आप ऐसी थाली आएगी ऐसी, और देखिए जैसे ये इसमें ये लगाया है, ये अब ये और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें और ऊपर लगा देंगे, और ये देखिए ऊपर लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसे पैकिंग कर देंगे इसमें, ऐसे पैकिंग करके इसके ऊपर देखिए नीचे इसमें भी ये थाली लगी है इसमें, और पेपर से पैक करके ऊपर से थाली का चार्ज लगता है अलग से। हाँ हाँ, लगते हैं अलग। अच्छा अच्छा, जैसे थाली पीछे से 40 रुपये में आ जाती है, 20 रुपये में आ जाती है, 50 रुपये में आ जाती है, जैसी थाली हुआ वैसा पैसा होता है। अच्छा अच्छा, बड़ी थाली के अंदर
30 किलो 35 किलो पैटा लगता है। अच्छा, अलग अलग पैकिंग होती है। तो कौन कौन सी पैकिंग होती है जैसे इसमें 30-35 किलो की? इसके में 30-35 किलो ये छोटे बड़े सब 15 किलो के। अच्छा, ये 15 नीचे से 15 किलो है, ऊपर में 70 किलो तक की थाली है। 70 किलो तक। ये रसगुल्ले हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर ये रसगुल्ला भी बनता है बहुत मात्रा में, मतलब तो इसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कैसे रसगुल्ला तैयार होता है, शुरू से लेकर एंड तक पैकिंग तक और गाड़ी लोडिंग होगी वहां तक आपको पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में छोटा सा मंदिर भी बना रखा है इन्होंने, यहाँ पूजा पाठ करके फिर काम पर लगते हैं। ये देखिए रोजाना पूजा होती है। अब देखिए दोस्तों, ये तोल हो रहा है, देखिए 13 किलो और 590 ग्राम है, लेकिन 13500 ही ये लगेगा इसमें। हाँ, इतना ही लगेगा, 13500 लगेगा ये इसका। और ये माल अभी जो आप लोड कर रहे हो तो ये कहाँ जा रहा है सप्लाई के लिए? जाएगा जयपुर। जयपुर जाएगा सिटी में। हाँ,